नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। जनता ने अभी से 14 फरवरी निमित्त मातृ पितृ पूजन दिवस मनाना प्रारंभ किया है। भारत में वैलेंटाइन डे की गंदगी अपने व्यापार का स्तर बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को लेकर आई है, और वो ही कंपनियां मीडिया से पैसा देकर वैलेंटाइन डे का खूब प्रचार प्रसार करवाती है, जिसके कारण उनका व्यापार लाखों करोड़ों अरबों नहीं खरबों का हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया जनवरी से ही वैलेंटाइन डे यानी पश्चिमी संस्कृति का प्रचार करने लगती है, जिसके कारण विदेशी कंपनियों के गिफ्ट, गर्भ निरोधक सामग्री, नशीले पदार्थ आदि 10 गुना बिकते हैं और उन्हें खरबों रुपए का फायदा होता है। वैलेंटाइन डे से युवाओं का अत्यधिक पतन हो रहा है, इसलिए अब तो ऐसा समय आ गया है कि वैलेंटाइन डे की जगह लोगों ने अभी से 14 फरवरी के दिन मातृ पितृ पूजन दिवस निमित्त कार्यक्रम शुरू कर दिया है। आप वीडियो भी जाकर देख सकते हैं यूट्यूब में। गौरतलब है कि पिछले 50 वर्षों से सनातन संस्कृति के सेवा कार्य में रत रहने वाले तथा सनातन संस्कृति की महिमा से विश्व के जनमानस को परिचित करवाने वाले हिंदू संत श्री आसाराम बापू ने जब अपने देश के युवा वर्ग को पश्चात्य अंधानुकरण से चरित्रहीन होते देखा तो उनका हृदय व्यथित हो उठा, और उन्होंने साल 2006 से ही 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस शुरू किया। उन्होंने वर्षों से एक नई दिशा और युवा वर्ग को अग्रसर करते हुए एक विश्वव्यापी अभियान चलाया, जिससे 14 फरवरी मातृ पितृ पूजन दिवस आज विश्वव्यापी बन चुका है और करोड़ों लोगों के द्वारा मनाया जा रहा है। भारत के युवक युवतियां अगर पाश्चात्य संस्कृति की ओर अग्रसर हुए तो परिणाम बहुत ही भयंकर होने वाला है। अब युवक युवतियों को यह कहना है कि क्या हम प्यार ना करें ? तो उसका एक सलाह है कि दुनिया में आपको सबसे पहले प्यार किया था आपके माँ बाप ने। आप दुनिया में आने वाले थे, तब से लेकर आज तक आपको वो प्यार करते रहे हैं, लेकिन उनका प्यार तो आप भूल गए और उनको ठुकरा दिया। अब आप बोलना भी नहीं जानते थे, तब उन्होंने आपका भरण पोषण किया, आपको ऊँचे से ऊँचे स्थान पर पहुँचाने के लिए खुद भूखे रहकर भी आपको उच्च शिक्षा दिलाई एवं अच्छे संस्कार दिए। उनका केवल एक ही सपना रहा कि मेरा बेटा या बेटी सबसे अधिक तेजस्वी, ओजस्वी और महान बने और अच्छे नंबरों से पास हो। उनका ऐसा अनमोल प्यार भूलकर आप किसी लड़के लड़की के चक्कर में आकर अपने माँ बाप को कितना दुख दे रहे हैं उसका अंदाज़ा भी आप नहीं लगा सकते हैं। इसलिए आप यदि स्वयं को बर्बादी से बचाना चाहते हैं, माँ बाप के प्यार का बदला चुकाना चाहते हैं, तो आपको एक ही सलाह है कि आप मीडिया, टीवी, अखबार के चक्कर में आकर वैलेंटाइन डे ना मनाकर उस दिन अपने माता पिता का पूजन करें। भारतवासी, आइए एक नई दिशा की ओर कदम बढ़ाइए, एक सच्ची दिशा की ओर कदम बढ़ाइए। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के ना मनाकर मातृ पितृ पूजन दिवस मनाइए और अपने माता पिता का शुभ आशीष पाइए। अपने माता पिता के पूजन करने से चार चीज़ों की वृद्धि होती है, आयु, आरोग्य, यशा, कीर्ति। तो ये चार चीज़ बहुत ही हमारे जीवन में अनमूल्य है, क्योंकि जिस प्रकार मनुष्य की आयु का वरदान माता पिता दे सकते हैं अपने पुत्रों को, आयु, यशा, कीर्ति, बल, तो और यश आपको मिलेगा जब आप अपने माता पिता का पूजन करेंगे तो आपका यश बढ़ेगा। कीर्ति, आपकी कीर्ति विश्व में या भारत में, भारत तक पहुंच पाएगी। और बल, आपका जो बल है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि आप संयम करेंगे तो
आपके शरीर में बलिष्ठ शक्ति उत्पन्न होगी जो आपका स्वास्थ्य और शारीरिक से रक्षण करेगा। तो वीर रक्षण बहुत ही आवश्यक है और भारत के वीर सपूतों, अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं, अगर आप ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, तो आप संयम धारण कीजिए और अपने जीवन में उन्नत होते जाइए। जय श्री राम।